बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले के विरोध में पूरे पंजाब में आज सिखों का प्रदर्शन। बरगाड़ी बेअदबी मामले में गिरफ्तार दोनों भाई रिहा, पुलिस का दावा दोनों के खिलाफ नहीं मिले पुख्ता सबूत। गुरदासपुर के कलानौर से भी सामने आया बेअदबी का मामला, शरारती तत्वों ने गुटखा साहिब का किया अंग भंग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सीबीआई जांच का फैसला, सरकार का है जांच चल रही है, ऐसे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये कहा डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने। सोनीपत में 5 नवंबर को पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया सीएम खट्टर ने। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स की बहाली के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सरकार को झटका, हाईकोर्ट का फौरी राहत देने से इनकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत की। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की तरफ से हरियाणा सरकार पर साधे गए निशाने के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने बादल पर पलटवार किया। जाट आरक्षण को लेकर प्रदेश में अब स्पेशल युवा जाट विंग भी तैयार हो गई है। दीपावली के करीब आते ही जगमगाने वाले सामानों की डिमांड बाजार में बढ़ गई है। दीपावली पर दीयों का महत्व होता है, इस बार बाजार में आर्टिफिशियल दीपक की भरमार है। हिमाचल के सीएम वीरभद्र आज दिल्ली आ रहे हैं, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से दायर याचिका और नोटिस संबंधी कानूनी पहलुओं पर कपिल सिब्बल से करेंगे चर्चा। सीएम वीरभद्र सिंह ने राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का दावा, चंद दिनों की मेहमान है वीरभद्र सरकार। साहित्य पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों पर प्रेम कुमार धूमल का सवाल, धूमल ने कहा बुद्धिजीवियों का ये फैसला असहनीय है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मिशन मिठाई का पौंटा साहिब में दिखा असर, बर्फबारी के चलते मनाली लेह राजमार्ग बंद। हिमाचल में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के आसपास अवैध तरीके से बन रहे हैं दुकानें और मकान। पर्यटन नगरी डलहौजी में आवारा पशुओं का आतंक। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद। श्रीनगर में 7 नवंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां शुरू। कोयला घोटाले में रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू, हर तारीख पर होगी कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की पेशी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर लिखकर 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 24 झुग्गियां जलकर खाक। सूत्रों के हवाले से खबर, बुधवार को दिल्ली लाया जा सकता है छोटा राजा। शायर मुनव्वर राणा ने दिया विवादित बयान, कहा राज्यसभा में नाचने गाने वाले आते हैं।